हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों आज मैं आपको सेट थ्योरी में यूनियन एंड इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, B intersection C and C intersection A, जहाँ A intersection C one is the same thing, are non-empty sets and A intersection B intersection C is fine। तो बच्चों, we have to find sets A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets। तो हम जानते हैं intersection का मतलब होता है common elements between A and B। A और B में common elements, उसको ऐसे लिखते हैं। B intersection means B और C में common elements, C और A में या A और C में common elements। तो question है, हमें A, B और C sets find करने हैं, जिसके लिए A intersection B, B intersection C and C intersection A are non-empty sets। इसका मतलब है इनमें कुछ ना कुछ common होना चाहिए। non-empty मतलब इनकी intersection खाली नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें, इसमें और इसमें कुछ ना कुछ common elements होने चाहिए, और साथ में तीनों में कुछ भी common नहीं होना चाहिए। अगर आप दो दो की इंटरसेक्शन लेते हो तो कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, लेकिन आप तीनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढोगे तो वो खाली होना चाहिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो आपने सेट सपोज करनी है, आप कुछ भी बना सकते हो। तो मैं एक आसान सा सेट बना रहा हूं। अगर मान लो ए में 1, 2 है, सपोज कर लो बी में 2, 3 है। तो बच्चों ए और बी में कॉमन है, बिल्कुल है, 2 है। तो इसका मतलब A intersection B non-empty, मतलब इसमें कुछ ना कुछ common है, ये empty नहीं है। In the same way, अगर मैं C में 3, 4 suppose कर लूँ, मान लिया, तो question था कि A और B में कुछ ना कुछ common होना चाहिए। तो बच्चों A और B में common क्या है? 2 common है। तो इसका मतलब ये empty नहीं है, non-empty। तो ये 5 के equal नहीं है। In the same way, B और C में कॉमन आप देखिए 3 आ रहा है, तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब एम्प्टी नहीं है। इन द सेम वे मैं चाहता था कि C और A में भी कॉमन होना चाहिए, तो तभी तो मैंने इनमें कॉमन बनाने के लिए अपनी ओर से 1 डाल दिया, ताकि इसमें और इसमें कॉमन होना चाहिए। C और A में कॉमन या A और C में कॉमन एक ही बात है, तो उनमें कॉमन 1 है, इसका मतलब वो एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी। तो क्वेश्चन था कि तीनों नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, बिल्कुल नॉन एम्प्टी है। आल्सो अब उसने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी होना चाहिए। तो देखो, ए बी और सी में तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, ए और बी में 2 है, लेकिन 2 इसके पास नहीं है। हाँ जी बच्चों, तो इन दोनों में कॉमन है, लेकिन बी में 1 नहीं है। इन द सेम वे बी और सी में 3 है, लेकिन 3 इसके पास नहीं है। तो क्वेश्चन ने जो बोला था कि दो दो की इंटरसेक्शन हो, उनमें कॉमन होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, पर तीनों में जब कॉमन देखोगे तो तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों के पास हो। देखिए, 1 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है। 2 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है। इन द सेम वे 3 इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है। तो तीनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर आप दो दो देखो तो उनमें कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, तो नॉन एम्प्टी, पर तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इट इज एम्प्टी सेट, हेंस प्रूव। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप कोई भी एग्जांपल लेके ऐसे बता सकते हो। तो इट कंप्लीट्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट सम वी हैव, काफी इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इज, If A is a set 2, 7, 15, 19, 21 and B is a set
15, 21, 3, 2, 3, 2, and 1. And similarly, C given a name 1, 2, 21, 7, 15. So my question is find A intersection B union C. Very, very easy question for 1 marks. So bachcho, sabse pehle hame A aur B mein common element nikalna hai. Intersection means common element between A and B. So A aur B mein koi common element nazar aa raha hai aap sabko? To dekhiye, inme common 2 aa raha hai. A aur B mein 2 common aa raha hai. 7 iske paas nahi hai. 15 common aa raha hai. 19 iske paas nahi hai. 21 इसके पास नहीं है. तो A और B में कॉमन बच्चों मिल गया. नाउ हमें क्या निकालना है? A इंटरसेक्शन B यूनियन C. तो A इंटरसेक्शन B हमने निकाल लिया. यूनियन C, C कौन है? दिस इज सिंबल फॉर यूनियन. जैसा कि आप सब जानते हैं 1 2 21 7 15. तो दिस इज A इंटरसेक्शन B. उसके पास ये एलिमेंट्स हैं यूनियन C के एलिमेंट्स. तो यूनियन क्या होता है? इन दोनों को इकट्ठे करना, एक सिंगल सेट में बनाना, दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे करने. देखिए 1 2 कीपिंग इन माइंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि सेट की डेफिनेशन होती है कि कोई भी एलिमेंट एक बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 1 2 हां जी बच्चों 15 7 एंड 21. दिस इज the answer of the question 1 to 7, 15 and 21. Are you clear, sabko? The next question, very easy sums. The question is, dekhe bacho, given that set A, 3, 5, 7, 9, 11, set B is 7, 9, 11, 13, and set C 11, 13, 15. Question is find first part A intersection B union C, second part find A union B intersection C. Very, very easy question. So first part we have to find A intersection B union C. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में है B यूनियन C. तो B और C को इकट्ठा करके एक सिंगल सेट बनाना है. B और C के एलिमेंट्स एक जगह इकट्ठे करने हैं, उनका एक सिंगल सेट बनाना है जिसमें दोनों के एलिमेंट्स होने चाहिए. कीपिंग इन माइंड रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड. तो बच्चों देखिए 7 ठीक है, 9 11 दोनों के पास है लेकिन रेपिटेशन अलाउड नहीं है. 13 एंड 15. तो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन बी और इन सी. तो बच्चों हमने बी यूनियन सी निकाल लिया. तो हमें निकालना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? राइट ऑन 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो बी यूनियन सी के पास एलिमेंट्स हैं 7, 9, 11, 13 and 15. तो इंटरसेक्शन मींस दैट दोनों में कॉमन एलिमेंट्स. तो दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? नोट करिए 7 दोनों में कॉमन है ठीक है, फिर 9 दोनों में कॉमन है, 11 दोनों में कॉमन है. तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट 7, 9, 11. सिमिलरली सेकंड पार्ट आप अपने लेवल पे कर सकते हो, डू योरसेल्फ, वेरी इजी सर. The next question we have, हाँ जी बच्चों, second next question again very easy question. A is a set 1, 2, 3 and 4, B is a set 3, 4, 5, 6, C given है 5, 6, 7, 8 and D given है 7, 8, 9, 10. The question is find अगेन एग्जांपल 3 की तरह का क्वेश्चन है. ए यूनियन बी यूनियन सी, सेकंड पार्ट बी यूनियन ए यूनियन डी. तो बच्चों कोई एक बार करवाता हूं, सेम है, सेकंड पार्ट करवाते हैं. टू फाइंड
बी यूनियन ए यूनियन डी, बी यूनियन ब्रैकेट ए यूनियन डी। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, ए यूनियन डी। तो राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए, ए में कौन है, 1 2 3 4। यूनियन डी के एलिमेंट्स 7 8 9 10। तो बच्चों यूनियन इन दोनों को सिंगल सेट में लिख दो, दोनों के एलिमेंट्स एक जगह इकट्ठे कर दो, 1 2 3 4 7 8 9 10। दिस इज ए यूनियन डी। अब आपने क्या निकालना है, देयरफॉर बी यूनियन ए यूनियन डी, बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6, यूनियन ए यूनियन डी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 7 8 9 10। तो यूनियन दोनों को इकट्ठा एक सिंगल सेट में लिख दो, कीपिंग इन माइंड दैट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो बच्चों 3 दो बार है लेकिन एक बार लिखेंगे, 4 एक बार लिखेंगे, 5 इसके पास है, 6 3 देखिए ये कवर हो गया, 4 कवर हो गया, 5 6 बाकी बचे कौन, 1 2 7 8 9 and 10। दिस इज आंसर। तो बच्चों एलिमेंट्स को इकट्ठे करके सिंगल सेट बना दो, तो लेकिन कीपिंग इन माइंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। और एक चीज और, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑर्डर में लिख दो, आगे पीछे लिख सकते हो। तो दिस इज आंसर, समझ आया सबको? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी सम। एक्स गिवन है 2 4 5 8, वाई गिवन है 4 6 8 9, जेड गिवन है 1 3 4 7 5। देखो 4 पार्ट्स हैं, हम 1 by 1 सभी करवा देते हैं, जहां कोई 2 करवा देते हैं। देखिए y union y intersection z and x union y intersection x union z, सभी के बाद हैं, very easy question। okay तो सबसे पहले x union y union z, तो बच्चों x के पास elements हैं 2 4 5 8, union 4 6 8 9, union 1 3 4 7। तो देखिए इन तीनों में सारे एलिमेंट्स एक सिंगल सेट में ले आए आपने यूनियन में, तो 2 कवर हो गया, ठीक है 2, फिर 4, तीनों सेट्स में आ रहे हैं, लेकिन एक बार लिखना है, सेट की डेफिनेशन है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। बच्चों 5 भी कवर हो गया, 8 कवर हो गया, अब बचे कौन, 4 तो हो गया, 6 9 1 3 and 7। तो दिस इज द आंसर, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स लिख सकते हो। तो आई होप क्लियर है, इट इज द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। इंटरसेक्शन तीनों में कॉमन 2 4 5 8, इंटरसेक्शन 4 6 8 9, इंटरसेक्शन 1 3 4 7। मतलब तीनों में कॉमन 2 इसके पास है, लेकिन इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, जो तीनों में कॉमन है वो नोट करो, 4 सबके पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है और z के पास भी है, तो एक 4 आ गया, 5 कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, तो आंसर इज ओनली, देखिए बच्चों 2 4 5 8 4 6 8 9 1 3 4 7, वंस मोर, तो 2 देखिए 4 तीनों के पास है तो 4 आएगा, है ना, इसके पास भी है लेकिन और कोई भी एलिमेंट तीनों में कॉमन नहीं है, दिस इज आंसर। आई होप क्लियर है सबको, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट,
find y intersection union y intersection z. तो बच्चों y में एलिमेंट्स हैं 4, 6, 8, 9. यूनियन y इंटरसेक्शन z, y और z में कॉमन एलिमेंट्स 4 दोनों के पास है, तो नोट कर लीजिए 6 दोनों में कॉमन नहीं है, 8 भी कॉमन नहीं है, 9 भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन है 4, तो इन दोनों का यूनियन 4, 6, 8, 9. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, फाइंड x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z. तो x यूनियन y दोनों का यूनियन निकालेंगे, तो बच्चों डायरेक्ट लिख सकते हैं, ओके 2 2 4 5 8, 4 आ चुका है, 6 8 हम लिख चुके हैं, 9. तो दिस इज x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, x और z का यूनियन निकालना है. तो देखिए 2, पहले आपने इसके एलिमेंट लिख दिए 2 4 5 8, फिर 1 3 4 हम लिख चुके हैं, 7. अब दोनों में कॉमन 2 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, 8 कॉमन है, बाकी और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है. दिस इज द आंसर. आई होप क्लियर सबको. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप सब सम्स ट्राई कर सकते हो. बच्चों चलिए एक और क्वेश्चन करवा देते हैं. अब आप एक्स से इसके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो इसके बाद. राइट नाउ सेट ए गिवन है आपके पास 2 3 4 5 6, सेट बी गिवन है 3 5 7 9, सेट सी गिवन है 1 2 3 4. शो दैट, प्रूव दैट. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. आगे इट इज वेरी इजी क्वेश्चन बट इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए यूनियन बी, ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ए यूनियन बी, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. वैसे आपकी नॉलेज के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो बच्चों हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो देखिए सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करेंगे. तो बी में और सी में कॉमन एलिमेंट्स 3 दोनों के पास है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है. तो ओनली 3 इज कॉमन टू बोथ बी एंड सी. ओके, तो बच्चों बी और सी में इंटरसेक्शन निकाल दी, देखिए दोनों में 3 कॉमन है. फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. तो ए कौन है? 2 3 4 एक सेट को लिख दो, ये वाला यूनियन बी इंटरसेक्शन सी 3. तो देखिए यूनियन दोनों को सिंगल सेट में लिख दो. तो बच्चों 2 3 4 5 एंड 6, 3 दो बार दो लिख रहे हैं. तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, इसको स्टोर कर लो इक्वेशन नंबर 1. तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे. तो ए यूनियन बी कितना आएगा? 2 3 4 5 6, 3 लिख चुके हैं, 5 लिख चुके हैं, 7 और 9 आएगा. फिर अब ए यूनियन सी निकालेंगे. देखिए पहले ए के एलिमेंट्स 2 3 4 5 6, अब सी में 1 आएगा, 2 अब लिख चुके हैं, 3 लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं. तो बच्चों राइट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लिख रहे हैं, 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 कॉमन है. तो और तो नहीं कॉमन आ रहा? नहीं आ रहा. 2 3 4 5 6 फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव. तो बच्चों अब आप एक्सेस के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, काफी इजी क्वेश्चंस हैं. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.